पूरा देश जानता है कि बृजभूषण सिंह एक बहुत बड़ा गुंडा है जिसके ऊपर कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। ऐसे में देश की महिला पहलवान जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े मेडल जीते हैं वो सब सामने आती हैं और बताती हैं कि बृजभूषण सिंह ने किस तरीके से उनके साथ यौन शोषण किया। एक महीने तक वो सड़कों पे बैठी रही, गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही और दिल्ली पुलिस से मांग करती रही कि इस आदमी को अरेस्ट करो। पर दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह को अरेस्ट नहीं करा, उल्टा लड़कियों की ही विक्टिम शेमिंग जम के की गई। अब दिल्ली पुलिस ने खुद चार्जशीट दायर करी है बृजभूषण के खिलाफ जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से बृजभूषण ने लड़कियों के साथ सच में यौन शोषण किया था और इसको लेके काफी सारे पुख्ता सबूत भी दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दायर करे। तो मेरे दो सवाल हैं। सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस ये बताए कि जब उन्हें पता था कि बृजभूषण ने लड़कियों के साथ यौन शोषण कराए तो उसको अरेस्ट क्यों नहीं करा गया? और दूसरी बात मैं केंद्र सरकार से सवाल पूछना चाहती हूं क्योंकि बृजभूषण उनका ही एमपी है, उनका ही सांसद है। मैं ये जानना चाहती हूं कि कब तक बृजभूषण जैसे गुंडे को केंद्र सरकार संरक्षण देगी और बचाएगी? क्यों उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं करी गई है? ये बहुत ज्यादा गलत है क्योंकि जिस आदमी की जगह जेल है अब वो संसद में बैठकर देश के कानून बनाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसी तरीके से बेटी बचाई जाएगी और बेटियों को आगे बढ़ाया जाएगा?